हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और सुबह सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 8। और आज दोस्तों घर में शादी है, पटीदारी में। बहुत बड़ी हमारी पटीदारी है, जो हम हमेशा दो चार शादी पड़ती ही रहती है। आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद भी ब्लॉग बना रही हूँ। करीब 2 हफ्ते हो गए होंगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, और ना ही वीडियो उतना शेयर कर रही थी। बहुत सारे भाई बहन जो है पूछ रहे थे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। बस यही वजह थी दोस्तों, शादी ब्याह घर का माहौल था, तो इसलिए नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय बन चुकी है, बस गर्म कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे दीपांश भी बैठा है। दीपांश हाय कर दो सब लोगों को। तो अभी मुझे रेडी भी होना है, बस थोड़ा सा नहा धो करके पूजा पाठ करके ऐसे ही हूँ, और बाद में रेडी होंगे जब वहाँ पे जाना होगा। तो ये देखिए, मेहंदी भी मैंने लगवाया है इस तरीके से, और इस हाथ में भी। देखिए कैसी है मेरी मेहंदी, बताइएगा ज़रूर। कभी कभी ये भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है ना। इतना समय तो निकालना ही पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई, दोपहर में हम लोग वहाँ पे गए थे, खाना पीना करके चले आए थे, और मैंने कुछ भी वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, है ना, बस वही दिक्कत है। तो अभी शाम हो चुकी है, आज शादी है, तो अभी फिर जाना है, तो चलेंगे। लेकिन हो सकेगा तो थोड़ा बहुत क्लिप मैं बनाऊंगी ज़रूर, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है, और गले में मेरे थोड़ा सा खराश सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं और दीदी बैठे हुए हैं। दीदी गई थी साड़ी लेने, जिस मतलब जहाँ पे शादी है वहाँ पे देने के लिए, तो वही साड़ी मुझे दिखा रही थी, और चूड़ी का कुछ बात हो रहा था, तो बस वही चलता है आपस में जो। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। देखिए ये वाली साड़ी मैंने पहना है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन है। तो चलिए चलते हैं शादी में। देखिए कुछ इस तरीके से है। सुबह का समय है दोस्तों, और ये देखिए बासी खिलाने का रसम जो होता है, वही रसम हो रहा है। यहाँ पे दूल्हा को बासी खिलाया जा रहा है, और मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट मोड पर कर दिया है, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती तो आप लोग भी बोर होते। तो यहाँ पे देखिए मैं भी हूँ, सब लोग आ चुके हैं सुबह सुबह, और सुबह के करीब 8-8:30 हो रहे होंगे। और ये देखिए ये मेरी नातिन है, हमारे जेठानी जी की बेटे की बेटी। देखिए कितनी क्यूट, कितनी
और यहाँ पे देखिए जो दूल्हे को गिफ्ट का रस्म होता है ना, जो लेडीज़ लोग गिफ्ट देती हैं, हमारे यहाँ के भाषा में अचर धरोआ बोलते हैं इसको, तो वही रस्म यहाँ पे चल रहा है। सब लेडीज़ लोग जिसको जो देना होता है वो सुबह यहाँ दूल्हे को देते हैं, कोई कोई पैसा भी देता है, गिफ्ट भी देता है, तो बस वही है, सब लोग वो दे रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा ही क्लिप मैंने बनाया है दोस्तों आप लोगों के लिए, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पे देखिए वो सब रस्म जो है ख़त्म हो चुकी है, अभी विदाई का रस्म जो है होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो निकलवाया जा रहा है, तो अभी विदाई का भी थोड़ा सा क्लिप मैं बनाऊँगी। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा। कोई भी मिस्टेक होती है दोस्तों तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वहाँ से मैं आ चुकी हूँ दोस्तों और यहाँ पे आ करके मैं किचन साफ़ करूँगी। चाय के बर्तन हैं वो मैं सुबह बना करके पी करके चली गई थी, तो ऐसे सारे किचन साफ़ सुथरा नहीं, ऐसे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाने में बनाऊँगी हल्का फुल्का सा, और बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है दोस्तों। किसी का शादी ब्याह घर में होता है ना, तो अक्सर घर में बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट सी भी महसूस होने लगती है, ये होते रहता है। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो ये है दुल्हन दोस्तों, आप लोग भी देख लीजिए दुल्हन को और अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।